हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। इसके प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमेल आईडी का आज के डेट में क्या उपयोग होता है। दोस्तों, ईमेल आईडी एक डिजिटल माध्यम है जिसके द्वारा डिजिटल वे में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी का आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे अगर स्टूडेंट लाइफ हो तो स्टूडेंट को किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में या किसी भी तरह के फॉर्म भरने में आपको ईमेल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में मोस्टली वर्क ईमेल के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर आप कोई स्मार्टफोन चला रहे हो तो उसमें भी आपको ईमेल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बिना ईमेल आईडी के, बिना लॉगिन हुए आपका फ़ोन नहीं चल पाएगा। दोस्तों, डिजिटल वे में देखा जाए तो ईमेल आईडी का हर जगह उपयोग हो रहा है। बिना ईमेल आईडी का कोई भी काम ठीक तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक कर दें, ताकि आपको नए वीडियो के लिए तलाश ना करना पड़े। दोस्तों, ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके लिखना पड़ेगा जीमेल। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि ईमेल आईडी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बन सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है ईमेल अकाउंट, उसके द्वारा ही बनते हैं। जैसे अगर आप गूगल के थ्रू बनाते हो तो उसे जीमेल कहा जाता है, यानी गूगल मेल। अगर आप याहू के द्वारा बनाते हो उसे याहू मेल कहा जाएगा। अगर आप रेडिफ के द्वारा बनाते हो तो उसे रेडिफ मेल कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी हैं जो ईमेल प्रोवाइड कराती है, ईमेल अकाउंट प्रोवाइड कराती है। तो आप किसी भी कंपनी के द्वारा आप बना सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला और सबसे आसान ईमेल बनाने का प्रोसेस है गूगल के द्वारा, क्योंकि मोस्टली गूगल अकाउंट ही यूज होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा गूगल ही यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के थ्रू ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल के द्वारा ईमेल अकाउंट बना रहे हैं तो इसे जीमेल कहा जाएगा, यानी गूगल मेल। दोस्तों, जीमेल सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह के खोल के आएंगे। तो कहीं पे अगर आपको साइन अप लिखा हुआ रहे या क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखा हुआ आए तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर आपको सीधा जीमेल गूगल करके इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मेरा ईमेल अकाउंट पहले से खुला हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि जहां पे हमें लॉगिन मांगे वहां पे हम जाके खोल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। तो मैं यूसी ब्राउज़र में चले जाता हूँ। तो यूसी ब्राउज़र में जाके मैं जीमेल सर्च करता हूँ। सेम प्रोसेस की तरह मैं यहाँ भी जीमेल अकाउंट खोल लेता हूँ, जीमेल। तो इस तरह जब हमें लॉगिन करना होगा तो कुछ इस तरह खुल के आएगा। तो अभी हमें जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद इस तरह का फॉर्म खुल के आता है। तो यहाँ से आपको ईमेल अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ दे दिया अभय सिंह। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूजर नेम, यही यूजर नेम आपका ईमेल आईडी कहलाता है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जो यूजर नेम क्रिएट होगा तो वही आपको डालना होता है, और नीचे पासवर्ड मांगता है। तो उसमें आपको यहाँ जो पासवर्ड सेट होगा, एक क्रिएट पासवर्ड आता है, उस क्रिएट पासवर्ड को कंफर्म करना होता है, नीचे से हम पासवर्ड लिखना होता है। तो यहाँ जो आपको पासवर्ड क्रिएट होगा उसे आपको पासवर्ड में लिखना है, और जो यूजर नेम क्रिएट होगा उसे ऊपर लिखना है यूजर नेम वाले में। तो इस तरह मैं यहाँ पे यूजर नेम चूज करता हूँ। अब ये मैं आपको बता दूँ कि यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, जो कि कभी मैच ना हुआ हो किसी दूसरे से। जैसे अभय सिंह नाम से बहुत सारे पर्सन होंगे तो उनके भी ईमेल आईडी बने हुए होंगे, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि उन लोगों से हमारा ईमेल आईडी मैच ना हो। जब तक यूनिक ना होगा, जब तक अनमैचेबल ना होगा, तब तक हमारा ईमेल आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो पाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है दिस यूजर नेम इज टेकन, दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। तो हमें कुछ अलग लेना पड़ेगा। मैंने ये बहुत ही सिंपल लिया, और सबसे अच्छा इसे माना जाता है कि अगर पूरा नाम आपका इस तरह आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि बहुत सारे ईमेल आईडी बन चुके रहते हैं सेम नाम से, तो हमें यूनिक लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रेड रेड का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा फॉर्म को फिल नहीं किया है और मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो सबसे पहले मैं इस सबको फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड करना है, तो मैं अभय 1 2 3 4 5 6 ये मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ, ये ले रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, अब डेट ऑफ बर्थ सेट करना है। तो कुछ भी आप डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, तो मैं 2000 ले लेता हूँ। ये जेंडर मेल, और यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ फ़ोन नंबर में आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन जो चेक करता है आपका, वो किस कंट्री का है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया कंट्री देना होगा, इंडिया कंट्री कोड, तो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पहले सेट है। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो यहाँ पे चेक करना होता है। तो जिस कंट्री से आप बनाना चाहते हो उसके थ्रू बना सकते हो, लेकिन आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया का ही बनाना पड़ेगा, तभी आपका नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर देना है और ईमेल एड्रेस देना है, इन दोनों में से आप किसी एक को भी दे सकते हैं। ये आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, कि अगर आपका बाई चांस कभी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हो, और या तो आप किसी अनदर सिस्टम में, किसी दूसरे लैपटॉप कंप्यूटर या किसी दूसरे के डिवाइस में आप ईमेल आईडी अपना खोल रहे हो, तो उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए वन टाइम पासवर्ड, जिसे हम शॉर्ट में OTP कहते हैं, वो आपको आपके नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे आप डालोगे, या फिर जो यहाँ पे नंबर आप डालोगे, उन दोनों में से किसी एक पे OTP जाएगा, और OTP उसी पे जाएगा जिस पे आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप नंबर पे लेना चाहोगे OTP तो नंबर पे जाएगा, अगर आप ईमेल आईडी पे लेना चाहोगे तो ईमेल आईडी पे जाएगा, लेकिन किसी एक को देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका अकाउंट हो पाएगा, क्रिएट हो पाएगा, ताकि ये सिक्योर रहे। तो फिलहाल मैं नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, और यूजर नेम बना रहा हूँ 06। तो एक बार दिस यूजर नेम इज टेकन, तो कुछ अलग लेना चाहिए 6।
यस, एक बार ये देख ले रहा हूँ, समवन ऑलरेडी ये भी लिया हुआ है, 6A करके देख रहा हूँ, लगता है ये ले लिया है। तो ये हमारा ईमेल आईडी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेड करके नहीं आया नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो हम ये ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर लें, तो जब भी इस तरह का आ गया तो ये कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स है, इसे आप रीड करना चाहो तो ईमेल आईडी बनाने के बाद आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। रीड करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, नहीं रीड करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप आई एग्री कर दो। तो इसके बाद आपको वेरीफाई, अकाउंट वेरीफाई करने के लिए नंबर देगा कि आप अपना वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो सके, इसलिए नंबर यहाँ पे देना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको ये नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप ओटीपी किसके थ्रू लेना चाहोगे, टेक्स्ट टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एसएमएस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू कर दिया। तो अभी मेरे तो ये ओटीपी आ गया 193420, ये ओटीपी मैं डाल देता हूँ 193420। डालने के बाद इसे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, जैसे मैं कंटिन्यू कर लूँगा तो मेरा अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो ये abhishek.6a@gmail.com, ये हमारा यूजर नेम बनके तैयार हो गया। तो इसे आप कंटिन्यू टू जीमेल कर सकते हो, या कंटिन्यू टू जीमेल जा रहा है, कंटिन्यू टू जीमेल, तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन हो रहा है, इसके बाद आप फ्यूचर में कभी भी इस ईमेल आईडी को खोल के, जो भी आपने ईमेल आईडी बनाया है उसे खोल के आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका ईमेल आईडी खुल गया। तो ईमेल आईडी आप जैसे खोलते हैं तो आपका ये इनबॉक्स रहता है, यहाँ पे आपके सारे मैसेज आते हैं, नीचे वन बाय वन करके मैसेज आते हैं। तो आपका सबसे पहला मैसेज आया है गूगल की तरफ से, जो आपको वेलकम कर रहा है कि आपने एक ईमेल आईडी बनाया है वो गूगल की मदद से। तो ये आप इसे खोल सकते हैं, तो ये आपको वेलकम कर रहा है, हाय अभय, आई एम सो ग्लेड, ये आप खोल सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं। तो ये इस तरह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके इनबॉक्स स्टार्ट सेंट मेल, जो भी आप मैसेज सेंड करते हो वो इसमें सेंट मेल में आता है, ये सेंट मेल में आता है, और जितने भी आपके मैसेजेज हैं वो आपको इनबॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट में से आप कोई भी सब कुछ सारे खोल के देख सकते हैं, किस में क्या सब यूज हो रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट इस ड्राफ्ट के द्वारा होता है कि जो भी आप मैसेज लिख रहे हो और उस मैसेज को लिखने के बाद ऐसे छोड़ दिया और कोई और काम करने लगे, जैसे कि वो आपने सेंड नहीं किया है, तो वो मैसेज ड्राफ्ट में चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप फ्यूचर में कभी भी ड्राफ्ट से निकाल के उस मैसेज को सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रॉम सर्कल्स और मेल पिन स्पैम इस तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट में आपके सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स चूज करके आपके सामने कर देगा। फ्रॉम सर्कल में आपके जो भी सर्कल में होंगे वो आपको ये सर्च करके देगा। ऑल मेल में आप जाओगे तो आपको सब तरह के मैसेज मिलेंगे, सारे के सारे, जो अगर किसी कंपनी के ऑफर आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं, और कोई प्राइमरी मैसेज है, अनयूजुअल मैसेज है, यूजुअल मैसेज है, कुछ भी तरह का है, वो आपको ऑल मेल में आ जाएंगे। तो उसके बाद आता है बिन, बिन के थोड़ा बिन के थ्रू होता है कि आपने कोई भी मैसेज डिलीट किया है तो आपको बिन में चला जाता है, तो उसे आप अगर अंडू करना चाहते हो या फिर वापस लाना चाहते हो तो आप बिन की मदद से ला सकते हो। उसके बाद आता है स्पैम,
स्पैम में होता है कि अगर आपको कोई मैसेज पसंद नहीं आ रहा है कि किसी कंपनी के थ्रू आया है या किसी किसी भी पर्सन एम्प्लॉय वर्किंग एरिया के थ्रू आया है, वो आपको मैसेज पसंद नहीं आ रहा है और इस पे आप इरेटेड हो रहे हो उस मैसेज से, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे स्पैम कर सकते हो। स्पैम एक तरह से कंप्लेंट होता है जिससे आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो। तो ये आपका ईमेल है, ये खुल के इस तरह करके आप देख सकते हो क्या सब फंक्शन हो रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, जिसे भी लिखना चाहो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, जिस जिसको लिखना चाहते हो उसे आप लिख सकते हो। जैसे अगर आप खुद को ही लिखना चाहते हो तो खुद को ही लिख सकते हो, अभय सिंह sixa@gmail.com। आप खुद को लिखना चाहो तो आप खुद को ही मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको होता है कि कुछ कंप्लेन BCC CC, ये आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आप हेडिंग वगैरह डाल सकते हो, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आप पर्पस लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और आप इसमें ज़्यादा टेक्स्ट नहीं कर सकते हो, लगभग आप 200 वर्ड लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको अटैच फाइल का ऑप्शन देता है कि आप कुछ भी कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो इसमें से मैं कोई भी फाइल को अटैच कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं से भी जाके यहाँ से मैं जाके कोई फाइल ले सकता हूँ। इस तरह का है, इसमें से कोई भी फाइल मैं ले लूँगा। फिर फाइल मैनेजर से आप कोई भी फाइल ले सकते हो। इस तरह से आप जैसे यहाँ पे गैलरी का भी ऑप्शन देता है, गैलरी यहाँ पे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो हैं, रिसेंट है, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। या फोटोज़ गैलरी के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ड्राइव से ले सकते हो इमेज, वीडियो, ऑडियो इससे ले सकते हो। तो ये होते हैं, ये अटैच फाइल का ये वर्क होता है। और यहाँ पे होता है ड्रॉ स्क्राइबल, आप इसके थ्रू कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ करके दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने एक बनाया, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो एक, तो ये लिख के आप दे सकते हो। तो ये सब फंक्शन होते हैं, ये होते हैं ब्राउज़र के। अगर आप सिंपली किसी ब्राउज़र से यूज कर रहे हो तो आप इस तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे अटैच हो गया है, और सब्जेक्ट जस्ट अवे ऑफ फन कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ, ऐसे करके आप यहाँ पे सेंड कर दो। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा था, अभी प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सेंड आया मी के नाम से। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद को मैसेज किया है, इसलिए यहाँ पे मी करके आया। तो जस्ट फोन अवे मैसेज आया है, और यहाँ पे ये अटैचमेंट PNG इस तरह गया है, और जो मैंने ड्रॉ किया था वो बन के आ गया है। तो ये आप अटैचमेंट पेज, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप व्यू कर सकते हो, जो मैंने बनाया था वही निकल के आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो मैं दिखा सकता हूँ। तो ये निकल के आया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन ओपन द फाइल, ये अभी खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि यही खुल के आने वाला। अगर आप ऐप में यूज करते रहते तो ये आसानी से खुल सकता था। यहाँ पे आप जिसने भी आपको ये मैसेज किया उसे आप रिप्लाई दे सकते हो इसके थ्रू। यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो। ये टू उसने आपको मैसेज किया, जिसने उसे आप रिप्लाई कर रहे हो, तो टू हो गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया है जस्ट अवे फन। तो आप यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी मैसेज दे सकते हो। और यहाँ पे आप कुछ ही अपना मैसेज लिख सकते हो, अटैच फाइल कर सकते हो कुछ भी, और इस तरह हो सकता है। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड करके का भी ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन होता है कि आप इस मैसेज को किसी और को भी शो करना चाहते हो, किसी और को भी सेंड करना चाहते हो, तो उसे आप यहाँ पे सिंपली लिख के सेंड कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन होते हैं, ये होते हैं ब्राउजिंग के द्वारा। अगर आप यूज करते हो तो ब्राउजिंग में इस तरह से यूज होता है।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सेंड किया मैसेज। यहाँ पे सेंट मेल का यहाँ आ रहा है, इस पर सेंट मेल आ रहा है, तो मैं सेंट मेल खोल ले रहा हूँ। सेंट मेल में मैंने अब तक एक ही मैसेज सेंड किया है, वो भी खुद को, तो ये खुल गया है। ये सब होते हैं। और स्टार्ट मैसेज, यू हैव नो मेल हियर। स्टार्ट मैसेज के फंक्शन मुझे सही से पता नहीं चल पा रहे हैं, आप यूज करते करते पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे वर्क करता है। ऑल मेल आ रहा है, ये अगर कोई मैसेज आप डिलीट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ये मैसेज को डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट हो गया, तो अभी आपको ये बिन में आ गया, ये मैसेज बिन में आ गया, जो भी मैसेज था, नॉन सब्जेक्ट और नॉन सेंडर, तो ये आपका बिन में आ गया। तो अगर आप बिन से ऐसे इस मैसेज को, अगर आप बिन से दोबारा इनबॉक्स में लाना चाहते हो जहाँ पहले पे था, मतलब ये डिलीट आप नहीं करना चाहते हो, तो उससे यहाँ से आपको मूव टू इनबॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, इस जगह पे मूव टू इनबॉक्स का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आप इसे ला सकते हो। तो अगर आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे डिलीट फॉर एवर का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ये डिलीट फॉर एवर हो गया। और यहाँ पे इस मैसेज को भी डिलीट फॉर एवर कर दे रहा हूँ, तो ये आपको खुल के आ जा रहा है। तो ये होता है ब्राउजिंग के द्वारा ईमेल आईडी यूज करने का तरीका। अगर आप ऐप के द्वारा यूज करते हो, तो ऐप के द्वारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐप के द्वारा आप सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपका प्ले स्टोर है, यहाँ से आपको जाके इंस्टॉल करना होता है जीमेल। जीमेल मैंने सर्च कर दिया है, तो अभी ये खुल के आ जाएगा। तो जैसे आप खोलते हो, ये जीमेल का आ जा रहा है यहाँ पे। तो मैं ये मेरे फ़ोन में यहाँ पे पहले से जीमेल ऐप डाउनलोड है, हो सकता है आपके फ़ोन में भी पहले से ही हो, क्योंकि ये गूगल का दिया हुआ है, ये सभी मोस्टली सारे फ़ोन में अवेलेबल रहते हैं। तो आप इसे डायरेक्टली डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले से ईमेल आईडी खुला हुआ है, तो ये खुल के आता है ईमेल आईडी। तो यहाँ से आप देख सकते हो सारे ईमेल मैसेजेस हैं, यहाँ पे आपको सारे मेल मिल जाएंगे, सारे फंक्शन मिल जाएंगे। प्राइमरी सोशल, प्राइमरी में होता है जो आपने यूज किया है वो सारे मैसेज आपको प्राइमरी में मिल जाते हैं। सोशल में होता है जो आपकी कंपनी है, कोई भी आपका फेसबुक पे लॉगिन है, किसी लिंकिंग पे है, इंस्टाग्राम पे है, या किसी पे भी है, उसके मैसेज आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। और प्रमोशन में होते हैं जो अगर आपको कोई कंपनी मैसेज कर रही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, बहुत सारे मैसेज आपको ऑफर पे ऑफर दे रही है, या कोई भी कंपनी हो सकती है, उस वो आपको प्रमोशन में देंगे। अगर आप इन सब को, इन सारे को एक साथ देखना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑल इनबॉक्स है। ऑल इनबॉक्स में आपको सारे मैसेज एक साथ मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऑल इनबॉक्स के ऑल मेल भी, जैसे मैंने आपको ब्राउजर में बताया था, उसी तरह ऑल मेल भी यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो सारे मैसेजेस को। सारे फंक्शन वैसे ही हैं, आपको ब्राउजिंग से ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको सारे यूज करके देख सकते हो कौन सा कैसे वर्क करता है। आप धीरे धीरे यूज करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये सारे फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अभी भी ईमेल आईडी या इस किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है फ़ोन यूज़ करने में, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना।